forgiven. Babu, come out there, don't Babu, come out बंधुवर आज डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा जी के 80 वर्ष पूर्ण होने पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो गोपाल बाबू के बारे में कहा, प्रेम चंद मिर्जा जी ने कहा, माननीय सुशील मोदी जी ने कहा, हमेशा एक समान ही है। जैसे हम लोग कहते हैं कि सिनेमा में कि देवानंद के बारे में कि सदाबहार है, उसी प्रकार मुझे याद है कि इसी कैंपस में परम पूजनीय मोहन भागवत जी का स्वागत विचारक चीफ बनकर के बिहार में आए थे और काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर जजेस थे, कई लोग थे और इन्होंने पूरा स्वागत किया था। बिहार हमारा एक दूसरा कार्यालय है, एक दूसरा परिवार है और गोपाल प्रसाद सिन्हा जी तो हमेशा देखते ही पहचान लेते हैं। मधी में बात करना सही बात है, प्रेमचंद जी ने कहा कि आधी बीमारी तो इसलिए आज गोपाल हम लोग धन्य है। और अजय आलोक जी ने कहा कि 90 नहीं, मेरा कहना कि 100 यहाँ पर, इसलिए गोपाल बाबू अब यहाँ कहा गया है शतक जीने, इसलिए 100 वर्ष जीने का है। किशोर जी भी हमारे बीच आ गए हैं और सबसे बड़े हम लोग के अभिभावक गंगा बाबू है और हम लोगों का भी स्नेह और प्रेम गोपाल बाबू के ऊपर है, इसलिए ये भगवान इसको हमेशा ही रखे और हम सब लोग 100वां वर्ष बनाने के लिए इकट्ठा हो सके, ऐसा आशीर्वाद हम सब लोगों को मिले। जय भारत, वंदे मातरम। जय हो, जय हो। अब हमारे बीच में नंद किशोर जी भी हैं, इनको भी कोई परिचय के मोहताज नहीं है पटना के लिए, इनसे भी आग्रह है दो शब्द। बहुत कठिन काम है गोपाल जी के, गोपाल बाबू के बारे में बोलना। अब सामने बैठे हों और अभिभावक के सामने के बारे में विस्तार से बोलना, एक कहा जाता है व्यक्ति को सामने बिठाकर उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, उसकी उम्र घटती और मैं नहीं चाहता गोपाल बाबू की उम्र घटे, मैं तो चाहता हूँ और बढ़े। मैं तो प्रभु से ही प्रार्थना करता हूँ वो सदाई हों, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, समाज की सेवा करते रहें, इतना ही प्रार्थना करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हल्का हल्का थोड़ा म्यूजिक हो जाए। थैंक यू भैया भैया। डॉक्टर गोपाल प्रसाद जी, इनका 80 बरस पूरा हो चुका है और उसी मुस्तैदी के साथ आप उसी तन्मन्ना के साथ हर कार्य को मुस्तैदी से करते हैं। इस अवसर पर मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए खुशी खुशी अपनी जीवन बिताएं और साथ ही साथ जिस प्रकार समाज की सेवा में लगे रहते हैं यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन आनंद पूर्वक हो, आपका भविष्य उज्ज्वलमय हो, इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश इनका जो स्थान है, जिस सब्जेक्ट के ये डॉक्टर हैं, आप पूरे देश में जाइए कहीं भी, इनको सभी लोग जानते हैं कि जो मरीज दूसरे से नहीं ठीक हो पाता है इनसे आके अपना रोग को ठीक कर, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आर आयु लंबी हो, जिससे कि पैसे मरीजों की जो समस्या है वो ठीक हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ सुना हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि इनकी आयु लंबी हो, स्वस्थ रहे और अधिक से अधिक जो समस्याएं हैं उनकी भूल।
नाला रोड राजेंद्र नगर कहीं दूर तक हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा सांसद सुशील मोदी जी आए हुए हैं पटना के लिए, सबके भाई, सबके अंकल, सबके भैया, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चार शब्द बाबू के बारे में बोले। डॉक्टर गोपाल सिन्हा जी को मैं कम से कम 40 साल से जानता हूं और 40 साल पहले भी बिहार के सबसे पॉपुलर, सबसे प्रतिष्ठित डॉक्टर्स में थे और आज भी उसी ऊंचाइयों तक है। मैं यही कामना करूंगा कि डॉक्टर साहब सोशल वर्क का जो काम आप कर रहे थे उसमें कोई तरह का व्यवधान नहीं आना चाहिए। अपने डॉक्टर के नाते भी समाज की सेवा की है और चिकित्सा के अलावा भी आप सामाजिक कार्य में जिस तरह से लगे रहे हैं अंतिम दम तक वो गति आपकी बनी रहनी चाहिए और आप सौभाग्यशाली कि आपको डॉक्टर अजय आलोक जैसा बेटा आपके पास है और जो पूरा परिवार आपके बेटियां सुन आपकी जितनी चिंता करते हैं हमारा है। मैं आपके लंबे जीवन की कामना करता हूँ। हमारे बीच में थे 90s में पटना के लिए, वो संजीव चौरसिया जी आज के लिए हैं। दो शब्द चलो, वास्तव में हमारे क्षेत्रीय विधायक भी हैं, लेकिन सच्चाई है कि जितना जुड़े रहते हैं आप 24 घंटा भागते रहते हैं। जैसे सुशील जी थे पटना में इसलिए मैंने बोला, वैसे 2020 में संजीव जी आज। वास्तव में जब गार्जियन अभिभावक से गोपाल सर से बात होती है हर जगह, जब प्रेरणा मिलने का काम होता है बहुत कम, जब मिली है उसी उत्साह, तो जो समाज की ऊंचाई है वही इनके मन की सच्चाई भी है, वही मन के सच्चे भाव से सबकी चिंता करना भाग्यशाली है कि पुत्रवत वैसे पूरी चिंता करना और हर क्षेत्र को जब भी मन का भारी होता है तुरंत उस भाव से समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। समाज में जितना प्रेरणा देने का उन्होंने काम किया है, हम भी बहुत प्रेरित भाव से काम करने का काम करते हैं। लंबी आयु आपकी रहे निरंतर और उसी भाव से समाज की सेवा में निरंतर भाव से बस लगते रहते हैं। हम लोगों को युवा क्या जिस अवस्था में सब लोग कहें, सबको प्रेरणा का हम लोगों को मार्गदर्शन आपसे मिलते रहता है। आपकी लंबी आयु रहे, आपके लिए साधु आशीर्वाद को लंबे समय तक मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील मोदी जी, देवेश जी, समाज के सही अभिमान प्रतिष्ठा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जो हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आदरणीय गोपाल बाबू के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दें। डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा जी, मैं भी जब गाहे वगाहे इनके पास हम जाते रहते हैं, जब भी कोई समस्या होती है तो चले जाते हैं और आधी समस्या इनको देख के ही दूर हो जाती है, लेकिन मरीज को देख के पहचान लेना कि इसको क्या प्रॉब्लम है और क्या इलाज हो सकता है, वो शायद ही गोपाल लोगों के अलावा किसी और में। इसलिए मैंने कहा कि हम सब के लिए गौरव का दिन है, गौरव का विषय है कि हम सब गोपाल बाबू का जन्मदिन मनाने इकट्ठे हुए हैं और मैं तो कहते हैं इसमें हम लोग का ही इंटरेस्ट छिपा हुआ है। ये जितने स्वस्थ और विधायक होंगे उतने बिहारवासी और पटनावासी स्वस्थ रहेंगे। विधायक मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ गोपाल स्वस्थ रहे।
मिलते हैं, मिलते हैं और पूरी बात सुनते हैं। बढ़िया से ऐसे पद्मश्री डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा जी की दीर्घायु होने में हम सबका इंटरेस्ट है। इस अवसर पर जनता में कुछ कहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जीवन उदास होतेगा, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों के साथ और स्नेह पाकर जीवन में जीने की तमन्ना फिर हो जाती है। और आज आपने जो प्यार दर्शाया है वह लगातार मुझे आगे जीने की प्रेरणा और काम करने की प्रेरणा देता रहे। अभी कुछ ही थोड़ी देर पहले हमारे अनिल ठाकुर ने जो भाषण दिया कि हमारा जीवित रहना कितना समाज में जरूरी है, मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इस बातों को प्रेरणा रूप में बड़े जोरदार शब्दों में उसका व्याख्या की। प्रेमचंद मिश्रा ने हमको अद्वितीय डॉक्टर बताते हुए मुझे डॉक्टर पेशा में और आगे बढ़ने का जीवन में भी एक जोश का जुनून दिया। इन भाषण के साथ जब मैं स्टेज पर खड़ा होता हूँ लोग कहते हैं गाना गाते हैं बड़ा परेशानी हो जाती है, मैं सुना देता हूँ। हमको तो पुराना गाना याद है लेकिन बड़ा चलता गाना है। सर माइक से हटा के गाइए। वरुण जी ने कहा था वही गाना गाइए। माइक नजदीक भाई, हाँ माइक नजदीक रख के गाइए। ये गाना पुराना है। उस गाने में गाने वाले थे राजेश खन्ना मुमताज, जिनकी जोड़ी 65 से लेकर 85 तक किसी को ठेकने नहीं दी। वो रोमांटिक जोड़ी जो उस जमाने के लोग आज भी याद रखते हैं। उसका एक बड़ा मशहूर गाना था, जुगलबंदी था। गाना लाइव गाने की बोली बड़ी आता है। छुप गए सारे नजारे, छुप गए सारे नजारे, तू क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया। जैसा लगता है वैसे ही लग रहा है, बहुत कुछ खास नहीं लग रहा, क्योंकि हम लोग का काम ही यही है।
सर क्या हो, मैडम क्या हो, हम चाचा क्या हो, चाची क्या हो, कलाकार जहाँ जाता है उसी बोतल में बंद हो जाता है। ग्रुप में इतना कम इंस्ट्रूमेंट क्यों? क्या ग्रुप में इतना कम इंस्ट्रूमेंट क्यों? बजट बजट दीजिए, हम 150 इंस्ट्रूमेंट लगवाएंगे, लेकिन सारी कहानी बजट से शुरू होती है और बजट पर खत्म हो जाती है। जो बजट था 4 इंस्ट्रूमेंट का, तो हमने 4 इंस्ट्रूमेंट लगवाया।